हमीरपुर जिला के भोरज उपमंडल के तहत पड़ने वाले गांव कस्याणे के लोगों को सड़क सुविधा ना होने से काफ़ी परेशानी हो रही है। आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बाद सड़क सुविधा के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं। कस्याणा गांव के लोग अपने गांव के लिए लंबे समय से फुटब्रिज बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मात्र आश्वासन ही मिले हैं। इसी के चलते आज दर्जनों ग्रामीणों ने बाजार में रैली निकालकर और बाद में अतिरिक्त उपायुक्त हमीरपुर को ज्ञापन सौंपकर जल्द फुटब्रिज बनाने की मांग की है। 80 वर्षीय बुजुर्ग लब्बू राम ने बताया कि कई दशकों से सरकार से लोग गांव को सड़क बनाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सड़क गांव के लिए सड़क सुविधा नहीं है, जिसके चलते उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि खड्ड के ऊपर से फुटब्रिज बनाया जाए तब भी गाँव के लिए सुविधा हो सकेगी, लेकिन किसी भी सरकार द्वारा आज तक ना तो फुटब्रिज बनाया गया और ना ही सड़क सुविधा दी गई है। वहीं 90 साल के किरपुराम ने बताया कि कस्याणा गांव को रास्ता बहुत ही खतरनाक है और रास्ते पर आना जाना हर वक्त दुर्घटना को न्योता देता है। उन्होंने कहा कि आज उपायुक्त हमीरपुर से मिलकर फुटब्रिज बनाने की मांग करने के लिए ग्रामीण हमीरपुर आए हुए हैं। ना चढ़ी ना उतरी महाराज, सरकार बुढ़े वास्ते बड़ी सहूलत दे रही, हमें कोई सहूलत नहीं मिली सरकार मेरी, हमें ये कोई जो बन रहा ऊपर नीचे बन रहा उसके हमें कोई सहूलत नहीं है सरकार मेरी, हमें नीचे उतरना बड़ा मुश्किल होता है और फुट पुरी जरूरत है, हमें जो पड़ जाए तो हमें बहुत सहूलत मिलेगी। सरकार मेरी बुढ़ियों की सरकार मेरी बुढ़ियों को सहूलत देती है, तो सरकार मेरी हमें सहूलत देना आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम लब्बू राम है जी। हमें नीचे और चल चढ़ा ही नहीं हो जाता। क्या समस्या आपकी? मैं क्या ही है जी कि नाली के फुट ब्रिज में आया जाए लोहे का मारा जी हाँ तो नहीं पैदल पार हम नहीं जा सकते हम समस्या ही नहीं है। 90 साल उम्र हो गई मारा जी हूँ नाले के किसके जी। ग्रामीण महिला सोमा देवी ने बताया कि 70 साल से गांव के लिए ना तो सड़क है और ना ही कोई दूसरी सुविधा, जिससे लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि गांव के लिए सड़क के ऊपर फुटब्रिज बनाया जाए। फुटब्रिज जरी फुटब्रिज कई दिन ते नहीं है। हाँ जी 70 साल ते नहीं है। बड़े बड़े दुखी है, कोई बच्चे होने भार रखने लैने रेशन आले लैने टपाने जो बड़ी बड़ी दिक्कती, दो बच्चे हमारे इन्हें पोतरू पोतरी बाटे भी मरी है, नेंदे नेंदे डॉक्टर के टाइम मरे नहीं हले पाए आए थे ना जो कहाँ जो फुट ब्रिज बहुत ज़्यादा जरूरत पे यहाँ जो फुट ब्रिज पाए दो तो बड़ी अच्छी गल ही कि नहीं जे डी सी यहाँ हरी सुनवाई नहीं करो तो फिर यहाँ और रास्ता देखना। तो आपने जो आपके विधायक है कभी उनको बताया इस बारे में? बताया सारे जो बताया जी, कोई सुनवाई नहीं हमारी दिखती आई। क्या उन वहाँ आपका वहाँ का दौरा किया कभी उन्होंने? नहीं जी कोई दौरा नहीं किया। सरदारा जी आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या है जी फुट ब्रिज की, जो कि 75 साल से हमें कोई ये नहीं है सुविधा आने की ना जाने की, और हमें बहुत ही प्रॉब्लम है हर बात में। बच्चे हैं जानवर हैं, इतनी दूर बच्चों ने पैदल जाना होता है, नीचे को बड़ा गहरा नाला है, उस नाले में बच्चे नहीं जा पाते हैं, तो कई बार बच्चों को गोदी लेके जाना, कई बार वहाँ से औरतें गिर भी गई, और कैसे ऐसे बच्चे डिलीवरी किसी की होनी है तो कुत्तों की तरह घसीट घसीट के ले जा रहे हैं। तो हमारी सरकार से भी यही है, डी साहब से भी है, वैसे हमने ब्लॉक में भी बोला लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी, तो हमारी यही समस्या है कि हमें फुटब्रिज मिलना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।